हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस क्या हो सकता है मार्केट में इस वीक, और आप लोग को सारी चीज़ें बता दूंगा। ये ट्रेंड लाइन क्यों खींची मैंने, ये जोन क्यों बनाया है, क्या हो सकता है मार्केट में। और मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे जहां तक लगता है मार्केट अब जो है आपको एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख जाएगा, लेकिन एक उसके लिए जो है लेवल, ये क्रूशियल लेवल है। अगर ये मार्केट अब ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत अच्छा बियरिश हो जाएगा। तो चलो पूरी चीज़ों को समझते हैं लॉजिकली कि बिहाइंड इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या ट्रेडिंग लॉजिक है। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखो गाइस, आप लोगों ने जो है ये रैली कैप्चर नहीं की होगी, बट मैंने अपने टेलीग्राम में जो है ये शेयर किया था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जब मार्केट यहां के कहीं कंसोलिडेट करने लगा ना, मैंने गिरते हुए मार्केट में बताया था कि मार्केट अब यहां से नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर जा सकता है, और जस्ट वही हुआ। मार्केट ने जो है ऊपर जाके करीबन डे हाई के करीबन क्लोजिंग दी थी। अब मार्केट का आपको बिहेवियर समझना होगा। बिहेवियर क्या समझना होगा ना गाइस, कि यहां देखो, यहां देखो, मार्केट जब भी गैप अप खुल रहा है अपसाइड जाके रैली डाउन साइड दे रहा है, गैप अप खुल रहा है अपसाइड जाके डाउन साइड आ जा रहा है, गैप अप खुल रहा है डाउन साइड जाके अपसाइड जाके डाउन साइड आ जा रहा है। अब इस पर भी गैप अप खुला, अगर फिर ये वही क्राइटेरिया अगर इसको दिखाना होता तो मार्केट ऐसा नहीं करता कि वही बार बार क्राइटेरिया दिखाए। मार्केट आज डाउनसाइड गया था गाइज, और मुझे ये पता था कि आज डाउनसाइड गया है। मार्केट तीन दिन से यही चीज़ दिखा रहा है और अब डाउनसाइड गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है अपना जो है बिहेवियर चेंज करे और मार्केट जो है अपसाइड का मूवमेंट दे। जस्ट वही हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट का, ये बहुत एक क्रूशियल सपोर्ट था, इसका जो है सपोर्ट लेके मार्केट ने एक अपसाइड इस ट्रेंड लाइन तक जो है क्लोजिंग दी मार्केट की। अब चलो इस वीक क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। देखो अब एक चीज़ समझना गाइस, देखो पहले तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, वो मैं दिखा देता हूँ। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 45,000 का जो लेवल जोन जो है वो बहुत क्रूशियल है। मार्केट यहाँ से बार बार गिरता है, ठीक है, बार बार गिरता है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों के लिए मैं वो लेवल क्रूशियल नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए जो मैं लेवल क्रूशियल बताऊंगा ना वो ये लेवल है गाइस, ये लेवल क्यों क्रूशियल है। आप लोग अगर ये देखोगे, यहाँ से जो सेलिंग आई है, अगर यहाँ से आप करोगे तो देखो करीबन ये 50% का एरिया है, ठीक है, सेलिंग का 50% का एरिया है। तो आपके लिए जो ये एरिया है वो बहुत क्रूशियल एरिया, ये एरिया बहुत क्रूशियल है। मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मार्केट कल के दिन पे, मंडे के दिन पे अगर यहाँ कहीं खुलता है, और अब अगर अब ये सेलर्स अगर चाहेंगे तो मार्केट को फिर से डंप कर सकते हैं और यहाँ तक जा सकता है मार्केट, या फिर यहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो है वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जो है अपसाइड का रिलीज दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं लॉजिक बिहाइंड। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यही चीज़ देखने को मिल रही है कि ऊपर के सेलर्स जो है वो हावी हो रहे हैं या नहीं, वो देखना है आपको मंडे के दिन पे। अब चलो ट्रेड कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो मार्केट अगर इस जोन में खुलता है गाइस, इस जोन में खुल के और डाउनसाइड ब्रेक करता है, तो आप लोगों को लास्ट जो डिफेंस ऑफ लाइन दिखेगा ना वो 40,339 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तरह काम कर सकता है। मार्केट यहाँ पे आए, अगर सपोर्ट का कोई भी बायर से यहाँ पे हैमर बनता है, फिर कोई भी ऐसे कैंडल बनता है जो कि बाइंग के लिए, तो आप लोग छोटा स्टॉप लॉस लेके एक बार बाइंग का जरूर ट्राई करना। बिकॉज देखो गाइज, मार्केट अभी बाइंग में ही है, आप लोग अगर कह रहे हो ना कि ये सेलिंग आ गई तो मार्केट सेलिंग में, बिल्कुल नहीं, मार्केट अभी बाइंग में है। तो अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे हैमर या फिर कोई भी ऐसी कैंडल बनती है, ब्लूइश इंगल्फिन जो भी, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड जरूर लेना है कॉल सेट का, और आपको एक अच्छा खासा प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना जरूर। और अगर मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है, ब्रेक करता है, तो हम लोगों ने, मैंने आपको बता दिया, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैंने बता दिया कि ये क्रूशियल सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। और अब बताते हैं गैप अप खुलता है तो क्या कर सकते हैं। गैप अप खुलता है तो ये जोन बहुत क्रूशियल है, अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है और फिर अगर रिटेस्ट करके अगर अपसाइड जाता है, तो भाई फिर ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक होकर नया ऑल टाइम हाई बनेगा, इसकी गारंटी मैं लिखित दे रहा हूँ, लिखित। और आप लोग जो टेलीग्राम पर भी देख लेना, लिखित दे रहा हूँ मैं कि ऑल टाइम हाई बनेगा नया, मैंने कल भी बताया था, मंडे को भी बताया था, और सी होल्ड भी करवाया है मैंने। अब देखते हैं क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है कि गैप डाउन खुलता है, ठीक है। चलो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी, समझ गए। अगर फ्लैट खुलता है तो इसके नीचे पुट, यहाँ पे जो है हम लोग कॉल लेंगे, लास्ट सपोर्ट है, लास्ट डिफेंस ऑफ लाइन है। अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट बहुत अच्छी सेलिंग दे सकता है, और जो सेलिंग हो जाएगी वो 44,000 के करीबन हो सकती है, ठीक है। अगर अपसाइड गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, यहाँ तक का टारगेट रहेगा पहला, 10 घंटे का रेट यहाँ तक रहेगा, और अगर यहाँ से इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो अपसाइड का टारगेट लेंगे, समझ गए चीज़ों को। अब चलो चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी पे क्या कह रहा है, निफ्टी देख लेते हैं। देखो निफ्टी गाइस बहुत सुंदर मुझे दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी जो है अब अपना ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे, और बहुत अच्छा मार्केट निफ्टी जो है बहुत अच्छा ट्रेड आप लोगों को दे रहा है, और जो निफ्टी में ट्रेड कर रहा होगा उसमें पता होगा कि कितना अच्छा निफ्टी जो है ट्रेड दे रहा है। तो चलो अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या लेवल जो है क्रूशियल है। अभी निफ्टी के जो लेवल क्रूशियल है ना, वो ये ब्लू जोन क्रूशियल है, जो कि है 19,517 से लेकर 19,995 का, ठीक है, ये क्रूशियल है, वो बताता हूँ। मार्केट जो है ये बहुत अच्छा, देखो रेजिस्टेंस एक बना के चल रहा है, अब मार्केट इसको सपोर्ट की तरफ एक्ट करेगा। साथ ही साथ अगर अब इसका 50% देखोगे तो ये 50% लेवल है, ठीक है। अब 50% का लेवल का मैं लॉजिक जो है आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, जो बड़ी वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है एक चैनल में भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो क्या हो सकता है मंडे को, वो सुनना। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर इस रेंज में खुल के और अगर इसको ब्रेक करता है डे हाई को, तो फिर हम लोग पहला टारगेट जो है ये ले
सकते हैं 19,666, सेकंड टारगेट है 19,744 का, ठीक है, ये हम देख सकते हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 में। और अगर निफ्टी 50 यहाँ के कहीं सपोर्ट लेता है तो फिर हम लोग, तो मैं तो यहाँ पे पक्का ट्रेड लूंगा कॉल साइड का, और यहाँ तक का टारगेट तो ईजिली लेके जाऊंगा, और टारगेट मुझे मिलेगा ये भी मैं लिख दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, मैं जो डालूंगा, ठीक है, देख लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा मॉर्निंग सेशन में, तो हम लोग को जो है ये लेवल देखने को, ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से कुछ सपोर्ट बनाता है वो मार्केट दिख सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, गैप डाउन खुलता है तो आप लोग सिंपली चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ के करीबन सपोर्ट लेगा मार्केट, लेगा ही लेगा, ठीक है, लेगा ही लेगा यहाँ के करीबन, एक बार तो सपोर्ट लेगा जिसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, और इसको ब्रेक करता है तो आप लोग देखो ये लेवल मिलेगा आपको देखने के लिए। और अगर ऊपर से जो है रेजिस्टेंस कहाँ ले सकते हैं अगर गैपअप खुलता है, तो देखो गैपअप खुलता है ना, गैपअप खुलता है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, गैपअप खुलता है तो मुझे लगता है मार्केट जो है अपने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को ब्रेक करेगा, और अपसाइड थोड़ा बहुत जो है अपसाइड ऊपर रैली करेगा, और यहाँ के करीबन से अगर रेजिस्टेंस ले तो मैं जो है डाउनसाइड के लिए भी मैं नहीं बैठूंगा, मैं हर एक डिप पे जो बाइंग की सोचूंगा, ठीक है, हर एक डिप पे बाइंग की सोचूंगा, कब तक सोचूंगा, जब तक मार्केट जो है इसके नीचे जो है, किसके नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मेरे लिए हर डिप जो है बाइंग की है, और एक अच्छा ऑल टाइम हाई जो है हम लोग को 20,000 तक इस बार देखने को मिल सकता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो गाइज, और अच्छी अच्छी वीडियो अगर आपको एनालिसिस बहुत अच्छी लगी, परफेक्ट लगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास, और प्लीज़ वीडियो को रीच बढ़ाओ ताकि और अच्छी चीज़ कंटेंट देखने को मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइज।